दोस्तों, हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है और इसी के चलते हमारे भारत देश में कई एंटरप्रेन्योर्स ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने नए आइडिया और युवा दिमाग के साथ भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिन्होंने अपने शार्प माइंड का यूज़ करके भारत में कई स्टार्टअप किए। तो दोस्तों, हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर है अक्षय रूपरेलिया। वह एक ऑनलाइन रियल इस्टेट कंपनी के फाउंडर हैं। ये कंपनी doorstep.uk जो UK बेस्ड एक कंपनी है। हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि मात्र 19 साल का एक भारतीय जो ब्रिटेन में सबसे कम उम्र में करोड़पतियों में से एक है। मात्र 12 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई ये कंपनी आज 12 मिलियन पाउंड के मूल्य की बनी है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे लिस्ट के 9वें स्थान पर नाम आता है वह कविता शुक्ला जी, जो फेनुग्रीन कंपनी की CEO और फाउंडर है। मात्र $300 की शुरुआती निवेश से ये कंपनी शुरू हुई और फ्रेश पेपर नाम का उनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फल और सब्जियों को 4 गुना ज़्यादा ताज़ा रखता है। आज इस कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी किफ़ायती और इजी टू यूज़ है। और दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हुए हमारी 8वें नंबर पर जिनका नाम आता है वह है त्रिष्णित अरोरा, जो एक एथिकल हैकर है। वह एक TAC सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। ये एक साइबर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है जो आज रिलायंस, CBI, पुलिस जैसी कंपनीज को साइबर सर्विस प्रोवाइड कराती है। दुबई और UK में इनकी कंपनीज का वर्चुअल ऑफिस भी है। दुनिया भर की 50 फॉर्च्यून और 500 से ज़्यादा कंपनीज इनकी आज क्लाइंट हैं। सन 2013 में स्थापित हुई इस कंपनी की आज वैल्यू करीब $1 बिलियन है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7वें नंबर पर जिनका नाम आता है वे हैं अवैध ठाकुर, जिनकी उम्र मात्र आज 15 साल है। वे एक अपेक्स इंफोसिस इंडिया के फाउंडर हैं। वे आज इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। इनका नाम विकिया यंग एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में सन 2017 में 4थे स्थान पर था। ये कंपनी मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT सेक्टर में शामिल है। आपको ये सुनकर गर्व महसूस होगा कि ये कंपनी कुछ सालों से Google AI और क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही है। इसी के साथ यंग एंटरप्रेन्योर्स के 6वें स्थान पर नाम आता है वे हैं दीपांजलि दालमिया। वे हेड ए केयर कंपनी की फाउंडर और CEO हैं। ये एक इनकी कंपनी का एकदम नया स्टार्टअप है। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 26 साल की उम्र में अपनी चल रही जॉब को छोड़कर की। उन्होंने समाज की महिलाओं के लिए हित में सोचना शुरू किया। ये कंपनी ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बनाती है जो बेहद ही सस्ते और इजी टू यूज़ हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता हुए हैं श्री लक्ष्मी सुरेश जी। ये एक भारत की वेब डिज़ाइनर हैं। वे मुख्य रूप से भारत में वेब डिज़ाइनिंग के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO और वेब डिज़ाइनर का अवार्ड भी जीता है। इन्होंने भारत के कई प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 100 से भी अधिक वेबसाइट्स डेवलप की हैं। उन्होंने अपनी पहली वेबसाइट मात्र 6 साल की उम्र में ही डेवलप कर दी थी। उन्होंने पिछले साल 50 वेबसाइट डेवलप की थी और इनका मकसद इस वर्ष ये संख्या दुगुना करने का है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर जिनका नाम आता है वह है फरहाद एसिडवल्ला, जो रॉक स्टार मीडिया और साइबर नेटिव डिजिटल के फाउंडर हैं। ये एक वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट कंपनी है। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने पिता से मात्र ₹500 लेकर एक डोमेन परचेस किया और इस कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी अभी कुछ सालों ही पुरानी है और आज दुनिया भर की कंपनीज को अपनी टीम के साथ मिलकर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर जिनका नाम आता है वे एक नहीं बल्कि आपस में 2 भाई हैं, श्रवण और संजय कुमारन। इन दोनों भाइयों की उम्र मात्र 15 और 17 साल की है और इतने कम उम्र में वे एक गो डायमेंशन नाम की एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने अभी तक लगभग 11 से ज़्यादा ऐप्स डेवलप किए हैं। इनके ऐप्स एंड्रॉयड और iOS पर अवेलेबल हैं। इनका मानना यह है कि हमें हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इसके चलते उनका एक नया ऐप गो डोनेट है, जो भोजन को बेकार ना हो और ज़रूरतमंदों के खाने के लिए उपयोग आए। इतनी कम उम्र में ऐसी सोच समाज के प्रति होना वाकई में काफ़ी प्रेरणादायक है। इस ऐप में आप अपना बचा हुआ खाना जो व्यर्थ ना जाए इसमें आप डोनेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी लिस्ट के 2रे नंबर पर जिनका नाम आता है वे दीपक रविंद्रन हैं, जो iNOS टेक्नोलॉजीज के CEO और को फाउंडर हैं। इन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर ये कंपनी की शुरुआत सन 2011 में की थी। ये एक SMS बेस्ड इंस्टेंट सर्च इंजन कंपनी है। इसकी खासियत यह है कि
मोबाइल यूजर्स के लिए फ्लैगशिप प्रोडक्ट SMS पर वेब सर्च कर सकें। लेकिन बजट की कमी होने के कारण ये कंपनी फेल हो गई थी, इसलिए इनका एक लेटेस्ट स्टार्टअप लुकअप मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप की मदद से आप पड़ोस की दुकानों से घर बैठे ही खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ खरीदारों से आपको बिना नंबर शेयर किए चैट करने की आज़ादी है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट पर पहले नंबर पर जिनका नाम आता है वह है रितेश अग्रवाल जी, जो ओयो रूम्स के CEO और फाउंडर हैं। आप सभी लोगों ने ओयो रूम्स का नाम तो सुना ही होगा। रितेश जी को ट्रेवल करने का काफी शौक था। उनको जगह जगह ठहरने में काफी परेशानियों और बजट में काफी समस्या होती थी। उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में अपनी जर्नी स्टार्ट की और 2013 में ओयो रूम्स नामक एक कंपनी की शुरुआत की। यह आपको होटल्स में स्टे करने के लिए कम से कम बजट में आपके आसपास रूम प्रोवाइड कराती है। ये एक तेजी से बढ़ती हुई होटल्स की चेन है। गुरुग्राम से शुरू हुई ये कंपनी आज विदेशों में भी अपना अच्छा खासा नाम बना रही है। और देखा जाए तो आज रितेश अग्रवाल जी की नेटवर्थ लगभग $1.1 बिलियन है, जो एक भारत के सबसे युवा एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। दोस्तों, इन सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स ने समस्या के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि उस पर विचार करके उसका सॉल्यूशन खोजने में अपना समय लगाया। इन सभी लोगों के एक नए आइडिया की वजह से मानव जाति को काफी भला हुआ है। हमें ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।